हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एट्थ डी बोर्ड के एस चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बुक एक्सरसाइजेज स्टूडेंट्स इस पूरे वीडियो में आपको इस लेसन की बुक एक्सरसाइजेस का कंप्लीट एक्सप्लानशन दिया जाएगा तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन चाइना इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग देखें रोजगार के मौकों के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री किसे कहा जाना चाहिए द आंसर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले कॉटन टेक्सटाइल होती थी स्टूडेंट्स लेकिन अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इनमें से कौन सी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है तो सबसे ज्यादा हेल्प करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में आगे आता है जमशेदपुर को किस तरह की एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है जमशेदपुर में बहुत सारी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं किस इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन मॉडर्न सिविलाइजेशन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है द आंसर इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आगे आता है पहला मॉडर्न आयरन एंड स्टील कंपनी इंडिया में किसने एस्टेब्लिश किया था द आंसर इज किसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेद जी नुसरव जी टाटा ने जमशेद मरुबे पहला आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया था इंडिया का आ गया था फिल इन द ब्लैंक्स में रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट्स में चेंज करना मशीन्स की हेल्प से इस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग जब हम मशीन्स की हेल्प से रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग आगे आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डैश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इन कॉटेज डैश स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे आएगा स्टूडेंट साइज और यहाँ पे आएगा स्मॉल साइज़ के हिसाब से साइज के लिहाज से इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया जाता है कॉटेज स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज जिनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को दूसरी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल के तौर पे उनको कहा जाता है बेसिक इंडस्ट्रीज़ जिनके गुड्स जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टील बनाती है स्टूडेंट्स तो वो जो स्टील है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ खरीदती हैं कार बनाने वाली टैंक्स बनाने वाली अलग अलग चीज़ें बनाने वाली अलमीरा बनाने वाली कंपनियाँ खरीदती हैं तो ये एक बेसिक इंडस्ट्री हुई है होती है जिस इंडस्ट्री का सामान बनाया हुआ सामान दूसरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करती है उसको कहा जाता है बेसिक इंडस्ट्री आगे आ जाता है क्लस्टरिंग ऑफ इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर रीजन जब एक ही इलाके में बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठा हो जाती हैं तो उस रीजन को क्या कहा जाता है द आंसर इज इंडस्ट्रियल रीजन यहां पे आएगा इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है जहां पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो जाती हैं सेमी चिप्स कंप्यूटर में जो यूज़ करती हैं वो क्या क्या करती हैं प्रोसेस करती हैं स्टोर करती हैं और डिसमिनेट करती हैं इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं स्टोर करती हैं और मांगे जाने पे रिट्रीव करके हमें देती भी हैं और चेंज भी कर सकती हैं ट्री और फोर्स बताने हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कमोडिटी की वैल्यू को बढ़ा देती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी सामान की वैल्यू को बढ़ा देती है द आंसर इज ट्रू क्योंकि रॉ मटेरियल उतना वैल्यूएबल नहीं होता जितना फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है भिलाई स्टील प्लांट मध्य प्रदेश में है इंडिया के मध्य प्रदेश में है फॉल्स स्टूडेंट्स ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो एरिया है यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज काफ़ी मिलती हैं ये बिल्कुल ठीक है छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्योंकि मिनरल्स काफ़ी मिलते हैं इसलिए यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काफ़ी तादाद में पाई जाती हैं इंडस्ट्रियल लेबर जो होता है वो एग्रीकल्चरल लेबर से ज़्यादा कमाता है ये भी बिल्कुल सही बात है रॉ मटीरियल्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के हैं आयरन और कोल और लाइम ये बिल्कुल सही बात है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कोकिंग कोल लाइमस्टोन और आयरन और का इस्तेमाल किया जाता है स्टील बनाने के लिए आगे आता है डी पार्ट आंसर द इन ब्रीफ हमें करना है तो इसका फर्स्ट पार्ट है हाउ कैन वी मेजर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री एक्सप्लेन किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अंदाजा या मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है बताएं देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम वहां की इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं काउंट कर सकते हैं उनका टर्न काउंट कर सकते हैं यानी किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पाई जाने वाली इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है आर द बेसिस ऑन दिच इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड गिव एट लिस्ट टू एग्जाम्पल फॉर इच किस किस हिसाब से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा सकता है दो एग्जाम्पल दीजिए कम से कम देखिए इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज नेचर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल यूज और उनकी ओनरशिप यानी उनका मालिक कौन है उस हिसाब से अगर साइज के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करना है तो वो तीन तरह की होती हैं कॉटेज स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के हिसाब से करना है तो वो दो तरह की होती हैं बेसिक और यहां पे कंज्यूमर गुड्स आएगा स्टूडेंट्स कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एग्रो बेस्ड फॉरेस्ट बेस्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी होती हैं चार टाइप्स की होती हैं टोटल ऑनरशिप के अकॉर्डिंग तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ ये इस लिहाज से इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया जा सकता है वो कौन कौन से तीन नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं कैपिटल मैनेजमेंट लेबर की अवेलेबिलिटी ये वो नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे उस इलाके की गवर्नमेंट उस इलाके में गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस तरह की हैं ये वो नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन को इम्पैक्ट डालते हैं आगे आता है इंडिया के पांच मेजर इंडस्ट्रियल रीजन का नाम बताइए तो वो हैं मुंबई पुणे रीजन हुगली रीजन बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन छोटा नागपुर रीजन विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन अब विशाखापट्टनम को स्टूडेंट शायद वाइजेक के नाम से जाना जाता है आगे आता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंसेस बताना है हमें पब्लिक सेक्टर में ऑनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के हाथों में होती है यानी इंडस्ट्री को लगाने का खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया है उसको चलाया भी सरकार या सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से जाता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री वो होती है जिसकी ऑनरशिप और मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल फैमिली या कॉरपोरेट बॉडी के हाथ में होती है यानी जो प्राइवेट लोगों के द्वार द्वारा लगाई जाती है प्राइवेट लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है ई पार्ट में आंसर द फॉलोइंग द्वेश्चन जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास ज्यादा क्यों पाई जाती है पांच रीजन बताइए तो पांच रीजन इसके स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे रॉ कॉटन आसानी से मिल जाता है कॉटन ग्रोइंग बेल्ट बेल्ट है गुजरात महाराष्ट्र वहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि कॉटन प्रोसेसिंग के लिए और कॉटन ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छा है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट वहाँ पे लोकल मार्केट अवेलेबिली अवेलेबल है डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर पोर्ट फैसिलिटीज़ पास पड़ती हैं गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में ही खुद के पोर्ट्स हैं ठीक है स्टूडेंट्स आगे आता है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर दोनों ही स्टेट्स में आसानी से सस्ती लेबर मिल जाती है काम करवाने के लिए आगे आता है वो उन फैक्टर्स के बारे में बताइए जिनकी हेल्प से बेंगलुरु में आईटी इंडस्ट्री डेवलप हुई है बहुत से फैक्टर्स हैं जिन्होंने आईटी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में हेल्प किया है बेंगलुरु में जैसे कि वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कोस्ट कम लगता है वहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे डेवलप्ड मीन्स द् ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं बेंगलुरु जो सिटी है वहाँ का माइल्ड क्लाइमेट है माइल्ड क्लाइमेट का मतलब ना तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती ना ही बहुत ज्यादा गर्मी वहां पड़ती सिटी जो है वो डस्ट फ्री है यहाँ पे लो रेंट्स में सामान मिल जाता है और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है यानी चीजें सस्ती मिलती हैं रेंट्स अगर अभी ठीक हैं यहाँ पे जब यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हुई थी तब की बात की जा रही है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे स्किल्ड मैनेजर्स स्किल्ड पर्सनल काफी वर्क एक्सपीरियंस वाले मिल जाते हैं ठीक है वो भी सही सैलरी पे यानी सही सैलरी पे स्किल्ड पर्सनल यहां पे काम करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं बेंगलुरु सिटी में और ये कर्नाटका की कैपिटल है तो सीधी सी बात है स्टेट अपनी कैपिटल पे ज्यादा इन्वेस्ट करता है ज्यादा ध्यान देता है सूटेबल एंगल एग्जाम्पल एंग, 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 से बताइए कि बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है ठीक है बेसिक इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है आपके हिसाब से इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी मिलती मिलनी चाहिए किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए और क्यों बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल्स के तौर पे दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री का बनाया हुआ स्टील मशीन टूल्स बनाने के लिए गाड़ियां बनाने के लिए काम में आता है तो ये एक बेसिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक बेसिक इंडस्ट्री है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके बनाए हुए सामान डायरेक्टली कंज्यूमर्स खरीदते हैं जैसे कि एडिबल ऑयल टी सोप ब्रेड रेडियो एक्सेट्रा बेसिक इंडस्ट्री को प्रायोरिटी हमें दी देनी चाहिए क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेस बनाती है हमारे देश का और बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने में काम में आती है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बंद हो जाए मान लीजिए इंडिया में तो उसका इफेक्ट सिर्फ उस इंडस्ट्री को नहीं होगा बहुत सारा जो आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है से जुड़ा बिजनेस है वो सारा बंद पड़ जाएगा इसलिए बेसिक इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए आगे आ जाता है इंडिया जैसे देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन कीजिए इंडस्ट्री जो होती है वो रॉ मटीरियल को वैल्यूएबल और यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करती है और इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे काम कर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान नेचुरल रिसोर्स को यूजफुल और बेचने लायक सेलेबल बना दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को नेशनल अर्निंग्स यानी नेशनल इनकम बढ़ती है लोकल और फॉरेन ट्रेड बढ़ती है और इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाली लेबर की जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चरल लेबर से काफ़ी ज़्यादा होती है इसलिए इंडस्ट्री किसी भी इकोनॉमी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी देश की अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवानी है तो वहां पर इंडस्ट्रीज़ का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेसिक समझी जाती है क्यों चार मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट, प्लांट बताइए इंडिया में उनकी लोकेशन के साथ यानी यहां पे हमें इनडायरेक्टली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस पूछ रखी है देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल बेस का काम करती है क्योंकि बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की वजह से ही बनते हैं इसलिए एक बेसिक इंडस्ट्री है ठीक है ये एक बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काम नहीं करेगी तो बहुत सारी इंडस्ट्री मशीन टूल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारे आपके घर में अलमीरा वगैरह जो होती है स्टील की बनी हुई स्टील के बर्तन वगैरह भी बनते हैं यूटेंसिल्स वगैरह भी बनते हैं ये इन सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा आयरन और दुनिया के कई हिस्सों में काफी अच्छी तादाद में पाया जाता है अबंडेंस का मतलब अच्छी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सिक्सटी फाइव परसेंट मशीन और 65 फाइव परसेंट यूटेंसल्स जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं तो आप समझ सकते हैं स्टील कितना इंपॉर्टेंट होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ दुनिया में कई जगहों पर पाई जाती है ठीक है यूएसए में देखा जाए तो अल्बामा स्टेट एटलांटिक कोस्ट ग्रेट लेक्स रीजन वो मेन इलाके हैं जहाँ पे आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं यूरोप में भी फ्रांस जर्मनी इटली यूके और यूरल माउंटेन्स रशिया में पाई जाती हैं ये हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ ठीक है स्टूडेंट्स ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ बहुत सही जगह पे कई कई जगहों पे पाई जाती हैं और इंडिया में पाए जाने वाले मेजर स्टील प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स पहला तो है टिस्को जमशेदपुर में उसके अलावा इसको डबल आई एस सी ओ इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर वेस्ट बंगाल में भिलाई छत्तीसगढ़ में राउरकेला ओडिशा में दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ये मेन स्टील प्लांट्स हैं मैंने पांच नाम बता दिए इसने चार पूछे थे आगे आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या है मार्क इन इंडिया ये एक प्रोजेक्ट है जो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शुरू किया गया है मेक इन इंडिया है स्टूडेंट्स ये मार्क इन इंडिया नहीं है मेक इन इंडिया एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत ज्यादातर चीजें इंडिया में बनाने पर जोर दिया जाता है और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम के तहत इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इंडिया के जीडीपी में ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट आ सके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की तादाद बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए तो इससे स्किल्ड लेबर को भी काम ज्यादा मिलेगा और एक जॉब मार्केट और एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होंगी इंडिया में तो मेक इन इंडिया एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग इंडिया बनाने की तरफ कदम है सरकार का आगे आता है हमारा फर्स्ट पार्ट इंडिया को दोनों फैक्ट्रीज और फार्म दोनों की जरूरत है इस स्टेटमेंट पे अपनी आर्ग्यूमेंट दीजिए यानी इंडिया को फैक्ट्रीज भी चाहिए और खेत भी चाहिए दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं देखिए इंडिया को फैक्ट्रीज और फार्म दोनों चाहिए दोनों हैंड इन हैंड मूव करते हैं डेवलपमेंट भी चाहिए हमें और कॉम्पिटिशन भी करना है हमें दूसरे देशों के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हेल्प से ठीक है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने फार्मर्स की हेल्प की है उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने में और उनको एफिशिएंटली काम करने में फॉर एग्जाम्पल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यूज करती हैं अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो फैक्ट्रीज एंड फार्म्स गो हैंड इन हैंड फार्म्स अपने इंप्लीमेंट्स के लिए ट्रैक्टर के लिए हैरो के लिए और सीड ड्रिल के लिए इन चीज़ों के लिए इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करते हैं और इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं फार्म्स पे डिपेंड करती हैं है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन के लिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए और अपना सामान बेचने के लिए जैसे इरिगेशन पंप्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स प्लास्टिक्स पीवीसी पाइप एग्रीकल्चरल मशीन्स ये फार्मर्स को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हेल्प से ही अवेलेबल हो पाती हैं आगे आता है व्हाट इज़ योर विजन ऑफ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इंडिया आप तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इंडिया के बारे में क्या सपना देखते हैं क्या नजर रखते हैं मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से हम रॉ मटीरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में चेंज करते हैं लार्ज स्केल पर इससे हमें प्रॉफिट अर्न करने में फ़ायदा होता है क्योंकि फिनिश्ड गुड्स रॉ मटेरियल के मुकाबले महंगे होते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है इंडिया की वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग मेजर की जानी चाहिए इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए इससे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में बढ़ेगी स्किल्ड लेबर फोर्स को काम मिलेगा इंजीनियर्स वगैरह को काम मिलेगा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया होंगी मेक इन इंडिया ऑपरेशन एक बहुत बड़ा विजनरी

भिलाई स्टील प्लांट दुर्गापुर स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट आई इसको टिस्को वरैया आयरन एंड स्टील विश्व वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स राउरकेला स्टील प्लांट लोकेटेड है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स पॉलिटिकल मैप में आपको दिखाया गया है ये है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स भद्रावती कर्नाटका में ये है आपका राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट जमशेदपुर में बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में जमशेदपुर के पास ही है इसको बर्नपुर वेस्ट बंगाल में दुर्गपुर वेस्ट बंगाल में ये सारे वो क्वेश्चन मार्किंग्स हैं जो मैप स्किल में आपसे पूछे गए हैं आगे आता है इंडिया के आउटलाइन मैप पे आपको आईटी इंडस्ट्री के सेंटर्स को लोकेट करना है बेंगलुरु गांधीनगर हैदराबाद जयपुर थिरुवनंतपुरम एंड मोहाली इनको आपको मैप पे मार्क करना है तो ये मोहाली स्टूडेंट्स पंजाब में आता है जयपुर राजस्थान में आता है गांधीनगर गुजरात में आता है हैदराबाद तेलंगाना में आता है अब बेंगलुरु कर्नाटका में आता है तिरुवनंतपुरम जिसको त्रिवेंद्रम कहा जाता है वो केरला में आता है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये था आपके लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास एट डी के अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू स्टूडेंट्स